नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश घड़ी में। मैं हूँ हरीश और आज मैं आप लोगों के लिए लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। इस पार्ट में हम बचे हुए लाभ हानि से संबंधित जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मित्र, आपसे मेरा अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल हरीश एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लगातार मैं ये वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ। और यदि आपने मेरे पेज फेसबुक पेज हरीश एकेडमी को लाइक नहीं किया है तो आप फेसबुक पेज हरीश एकेडमी को लाइक कर सकते हैं। उसमें मैं करंट अफेयर की सभी न्यूज वगैरह डालता रहता हूँ और PDF भी अपलोड करता हूँ, तो आपको वो प्राप्त होते रहेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। जैसा कि ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति क्या करता है, दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी उनका विक्रय मूल्य क्या है, इक्वल है। विक्रय मूल्य क्या है, इक्वल है। यदि पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल 10,000 रुपये है, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल 10,000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल ज्ञात करो। तो देखो, यहाँ इसका क्रय मूल, प्रथम वस्तु का क्रय मूल दिया है हमें 10,000, तो हमने लिख दिया, ये लिख दिया 10,000, क्लियर। और पहली वस्तु पर उसे कितने परसेंट का लाभ हो रहा, 20% का लाभ। तो यहाँ पर 20% का लाभ, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 20% का मतलब 120/100 लाभ है, इसलिए 120। यदि हानि होता तो 80/100 होता। ओके, तो 100 से उसको कंपेयर करके यहाँ पे इंटू कर देते हैं। तो जब हम इसका इंटू करेंगे तो इससे क्या निकलेगा, ये क्रय मूल है 20% लाभ पर, उसका क्या निकलेगा हमें, विक्रय मूल। और यही विक्रय मूल किसका है, दूसरी वस्तु का, लेकिन उसका हमें क्रय मूल नहीं पता, तो एक्स मान लिए। और विक्रय मूल निकालने के लिए इस कितने परसेंट है इसमें प्रॉफिट, 125/100। तो यानी दोनों का विक्रय मूल सेम है, तो इसका विक्रय मूल क्या होगा, क्रय मूल बटे लाभ प्रतिशत बटे 100, यानी इसका जितना लाभ है और बटे 100 कर देंगे तो इसका विक्रय मूल निकल आएगा। और विक्रय मूल दोनों के बराबर है, इसलिए हम दोनों को बराबर में रख लिया, क्लियर। अब यहाँ से इनको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। और इसके बाद या यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो ये कैंसिल कर सकते थे, कुछ भी कर दो, वो तो अभी आपको, अब एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो एक्स यहाँ है तो बराबर इसको नीचे ले आएंगे, तो यहाँ 10,000 और बटे यहाँ इंटू 120 है और बटे आ जाएगा जी 125, क्लियर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको 5 से काट दो, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, क्लियर। तो ये आ गया 400, यहाँ आ गया 5 आ गया। अब 5 का काट दो, 5 8 40, तो यहाँ क्या आ गया, 8 0 यानी 80 आ गया, ठीक है। अब इसको का इसमें इसमें इंटू कर दो, तो 12 8 9 5 6 96 और यहाँ पर 00 रख दो, बराबर आ गया हमारा एक्स का मान, यानी हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9600। यानी 9600 का 125% निकालें और 10,000 का 120% निकालें तो ये दोनों की जो मान आएंगे वो इक्वल आएंगे। तो यहाँ इसको इसकी सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, 9600 में 125/100 का गुणा कर दिया हमने, क्योंकि इसका निकालना है एक्स की जगह, हमें एक्स का वैल्यू पता चल गई ना, हमें 9600 यानी 9600 रुपये पता चल गई। तो 9600 में जब हम 125/100 करेंगे तो हमारा क्या आ गया, अब इसका हमने इसमें इंटू किया तो आ गया हमारा 12,000। उसी प्रकार से यदि हम 10,000 में 120/100 करें तो ये भी आ गया हमारा 12,000। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है। ओके, अब आप अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें में खरीदी उतने ही रुपए में 15 कलमें में बेच दी, क्लियर। एक दुकानदार ने जितने रुपए में, मान लीजिए एक्स रुपए में 20 कलमें में खरीदी और एक्स रुपए में ही 15 कलमें में बेच दी, दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। तो यहाँ आपको एक चीज स्पष्ट समझ में आ रही हो कि मान लीजिए एक्स रुपए में उसने खरीदी थी 20 कलमें, ठीक है, और एक्स रुपए में ही उसने 15 कलमें बेच दी, यानी उसके पास कितनी कलमें शेष हैं, 5 कलम शेष हैं,
ठीक है, तो ये क्या है, उसकी प्रॉफिट है। तो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि जो लाभ है, लाभ बटे क्रय मूल गुणे सौ। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिख रहा कि पांच अंतर है, इन दोनों का अंतर क्या है, 5 रुपए है। ठीक है, अब इन दोनों का जो अंतर 5 है, तो एक ही यहाँ पर आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि एक के लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए या हानि प्रतिशत निकालने के लिए अंतर बटे विक्रय और गुणा 100 करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि यदि रुपए दिए हों, कोई चीज़ में रुपए दिए हों, तो अपन को क्रय मूल रखना है बटे में। लेकिन यदि किसी की संख्या दी हो, किसी वस्तु की संख्याएं दी हों, तो वहाँ पर आपको विक्रय मूल ही रखना है, तभी आपका आंसर आएगा। तो ये आपको दिमाग में बिठा के रखना है कि रुपए तो क्रय और संख्या है तो क्या लिखेंगे, विक्रय मूल नीचे। यहाँ पर जैसे कि अभी हम लाभ बटे क्रय मूल करते आ रहे थे, तो यहाँ यदि लाभ क्या होगा हमें 5 रुपये, यदि हम क्रय मूल रखेंगे, यानी कि क्रय मूल क्या है, 20 कल में खरीदी, तो यहाँ 20 रखेंगे तो आंसर हमारा नहीं आएगा। यहाँ पर हमें हमेशा विक्रय रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या दी है, 20 कल में उनकी संख्याएं दी हैं, तो संख्याएं दी हैं तो इसलिए हम लिखेंगे 5 और बटे क्या करेंगे, यानी 15। विक्रय मूल क्या है, बेची, बिचली बेची क्या, 15 कल में, तो यहाँ आ जाएगा 5/15 और गुणे हो जाएगा 100, तो आपका क्या निकलेगा, लाभ प्रतिशत। तो यहाँ देखो 5 × 5 5 × 3 15, यहाँ आ गया आपका 3 × 3 9 3 × 9 1/3 प्रतिशत, ये आपका क्या आ गया, लाभ प्रतिशत। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये चीज़ें थोड़ी सी दिमाग में बिठानी है कि यदि रुपए हों तो आपको नीचे क्रय रखना है, यदि संख्या है तो आपको विक्रय मूल्य रखना है नीचे। क्लियर? जैसे कि ये 14वां क्वेश्चन है हमारा, 60 अंडों का क्रय मूल्य। देखो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने एक बार और लिखा है इसको, 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ देखो संख्याएं की बात हो रही है, 60 अंडे और 75 अंडे, ये क्या है, संख्याएं हैं। तो यदि रुपए होते तो हम क्रय मूल को नीचे रखते, लेकिन यहाँ पे क्या है, संख्याएं हैं, क्या है, संख्या है, तो यहाँ पे हम विक्रय मूल को रखेंगे कहाँ, नीचे। अंतर दोनों का कितना है, देखो 75 में से 60 जाएगा, आपका क्या आ गया, 15 अंडे, 75 में से 60 गया तो 15 आ गया। और यहाँ अब बटे में क्या लिखना है, आपको विक्रय मूल लिखना है, तो विक्रय मूल क्या है आपका, 75 और गुणे 100 लिख देना है आपको, कुछ नहीं करना आपको। तो इससे क्या आएगा आपका, प्रॉफिट यानी लाभ प्रतिशत आपका निकल आएगा। तो 15 × 15 15 × 15 15 × 75 15 किसका भाग दे दो 5 का, तो 5 × 2 = 10, यानी 20% क्या हो गया, लाभ हो गया। यानी एक लाइन में इसका आंसर आ रहा। कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये दो चीज़ें बिठाल के रखनी है, यदि रुपए दिए हों तो हमको क्रय मूल रखना है, यदि संख्या दी है तो हमें विक्रय मूल नीचे रखना है। बस इतना दिमाग में सेट करना है आपको। इसके लिए मैंने एक ट्रिक सी बना ली है कि रुक सब, तो रुक सब एक नाम मान लो या कुछ भी मान लो, तो रुपए से क्रय और संख्या से विक्रय, यानी रुपए दिए हो तो क्रय मूल रखना है और संख्या दी हो तो विक्रय मूल रखना है। बस क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें आपको कुछ ना कुछ हमें ट्रिक लगानी ही पड़ती है, क्योंकि यदि इसका बेस लगाने बैठ जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए इसके लिए आपको सिर्फ एक लाइन में आंसर आ रहा, तो आप इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो और इसको करने में आपको फायदा होगा। क्लियर? जैसे कि एक अगला क्वेश्चन है कि रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया, बताइए उसे कितने परसेंट लाभ या हानि हुई। अब ये भी उसी टाइप से क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है एक। इसके क्या, कुछ क्वेश्चन को जैसे मैंने बताया कि कुछ जो प्रश्न होते हैं उनको आपको ट्रिक से ही लगाएंगे तो ही आपको फायदेमंद होंगे, और यदि आप इसका बेस लगाने बैठ जाएंगे तो आपको टाइम काफ़ी देना पड़ेगा। इसलिए आप इसकी ट्रिक ही याद रखें, और ट्रिक कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि आप एक कॉपी बना लें
या जिसमें आप मैथ लगा रहे हो उसमें ऐसे अंडरलाइन के अंदर यदि गोल्ड डिब्बे के अंदर उनको बंद कर लें और एक दो बार अगर यदि आप उनको देखेंगे तो आपको वो याद हो जाएंगी। जैसे कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वस्तु रुपये और लाभ। तो जब हमें पता है जब हम खरीदते हैं तो वो क्या होता है, 100% होता है, तो हमें 100% मतलब ना कोई लाभ है और ना हानि है। तो 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदी और 100% मतलब ना तो लाभ है और ना तो हानि है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा कि 15 रुपये में 10 खिलौने खरीदे, ठीक है, तो यहाँ पर उसे कितने परसेंट लाभ या हानि हुआ, ये वैल्यू हमें चाहिए है। बस आपको वस्तु और रुपये और लाभ, कि वस्तु रुपये लाभ ये ट्रक ही मान लो, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये त्रिक गुणा कर देना है, इसका ऐसे और इसका ऐसे, बस। ये अभी आगे भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो ये आप ऐसे ही बिठा लो कि वस्तु और रुपये और फिर लाभ, पहले वस्तु फिर रुपये और फिर लाभ, ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है और इस सीरीज में अपने क्वेश्चन को जमाना है। यानी 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदी, 15 रुपये में 10 वस्तु बेची, तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। और जो एक्स वाली वस्तु है उसको नीचे लिखना है, तो ऊपर वाली यानी 15 गुणे 15 गुणे 100 लिख देते हैं, और जो एक्स वाली वस्तु है वो नीचे लिखते हैं, तो 10 गुणे 10, बस। ये 0 से 0, ये कैंसिल, मतलब कितना आ गया आपका, 225। 15 का वर्ग कितना होता है, 225। अब ये 100 से कंपेयर करते हैं कि 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से 125 ज़्यादा है, यानी आपका जो प्रॉफिट है, परसेंटेज है, जो लाभ प्रतिशत है, वो आपका 125% है। इसका आंसर क्या है, 125% लाभ। यदि वो 100 से नीचे होता तो आपको हानि होती, ये क्या है, 100 से ऊपर है, तो ये 125% का आपको लाभ हुआ है, क्लियर। अगला देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे गीता ने, ये अगला क्वेश्चन है उसी टाइप का, सेम टाइप का, गीता ने कुछ कल में 8 रुपये में 10 के भाव से खरीदी। पहले हम लिख लेंगे वस्तु और रुपये और लाभ, क्लियर। तो गीता ने कुछ कल में 8 रुपये में 10 के भाव से खरीदी, मतलब 100%। मैंने बताया था आपको, पहले ही बताया था कि पहले पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से बताया था, परसेंटेज में भी मैंने बताया था, क्रय मूल्य को हमें 100% माना है, तो 100 लिख दिया। इसके बाद 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दी, तो 10 रुपये में 8 के भाव से हमने बेच दी, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो अभी इसका हमने वही त्रिक गुणा कर देना है, तो यहाँ जब इसका गुणा करेंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 100, क्लियर, और बटे क्या आ जाएगा, आफ 8 गुणे 8, ठीक है। तो इसका आप गुणा काट दो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यहाँ 2 से 50 आ गया। अब इसे काट दो, 4 दूनी 8 और 25 दूनी 50, ठीक है, अब नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं। 5 25 और 25 का वर्ग कितना होता है, 625, ठीक है, 5 25 और 25 25, 625 बटे 4। अब इसका भाग दे दो, 4 एकम 4, ठीक है, 2 बचा, 4 पंचे 20, कितना बचा, 2 बचा, 4 छंग 24, तो 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, कितना आ गया आपका, 156.25। यानी 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से है 56.25 ज़्यादा है, तो आपका आंसर क्या आ गया कि लाभ हुआ आपको, लाभ कितना हुआ है, 56.25% लाभ हुआ, ये क्वेश्चन आपका आंसर है। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिर्फ इतनी चीज़ याद रखनी, एक लाइन कि वस्तु रुपये लाभ, और इसमें आपका आंसर आ जाए। कई प्रकार से लोग ट्रिक बनाते हैं, आपकी हो सकता कुछ और ट्रिक हो, लेकिन मैं इस विधि से यूज करता हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत आसान लगती है, इसलिए मैं इसका उपयोग करता हूँ। जैसे कि ये अगला क्वेश्चन है, रमेश ने कुछ वस्तुएं, अब यहाँ देखिए, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये की 4 के भाव से खरीदी, तो वस्तु रुपये और लाभ, क्लियर, वस्तु रुपये लाभ। रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में
चार के भाव से खरीदी। खरीदी मतलब 100%, क्रय मूल्य हमेशा 100 मान के चलना है, हमेशा मान के चलना है। अभी और जो बट्टा वाला चैप्टर है उसमें भी आपको ये क्रय मूल्य 100% का यूज होगा, तो क्रय मूल्य को आपको 100% मान के चलना है। और क्यों मानेंगे, क्योंकि मान लीजिए कोई चीज़ हमने खरीदी, उसमें ना हमें अभी लाभ है ना हानि, जब हम बेचेंगे तो हमें लाभ होगा या हानि होगी, क्लियर। तो अब यहाँ क्या है, और उन्हें 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया, तो 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया, तो एक्स यानी उनसे कितने परसेंट लाभ या हानि हुई। तो अब वही यहाँ का त्रिक गुणा कर दो, इसको ऐसे गुणा कर दो, तो जिसमें एक्स है वो नीचे लिखेंगे, जिसमें एक्स नहीं है उसको ऊपर लिख देंगे, तो ये आ गया ऊपर और नीचे आ जाएगा आपका 6 × 5। अब ये काट दो आप, 5 से 5 × 2 = 10, 20 आ गया, और इसको काट दो, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, क्लियर। अब ऊपर गुणा कर दो आप, तो 8 × 2 = 16 और 16 × 2 = 32, यानी 320 बटे आ गया 3, 3 × 3 = 30, 2 बचा। अब आपका क्या करेंगे, 3 × 3 = 18, कितना बचा, 2 × 3 = 18, 2 × 3 = 18, यानी आपका आंसर क्या आ गया, और तो बढ़ता जाएगा 6 6 6, तो आपका आ गया 106.66। तो आपका लाभ प्रतिशत 100 से कितना ज़्यादा है, 6, तो यहाँ आ गया 6.66 आपका लाभ प्रतिशत, बस आपका आंसर आ गया। इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं उनको ऐसे आपको सॉल्व करना है। के बाद ये अगला क्वेश्चन है, चावल का दाम 25% बढ़ गया। चावल का दाम क्या हुआ, 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना है कि यदि आपको नया भाव ज्ञात करना है, यदि आपको नया भाव ज्ञात करना है तो क्या करेंगे आप, जितने रुपए और बटे जितनी वस्तु, जितने रुपए बटे जितनी वस्तु गुणे परसेंट मात्रा बटे 100। ये क्या है, नया के लिए। यदि आपको पुराना भाव ज्ञात करना है, यदि आपको पुराना भाव ज्ञात करना है तो पुराने भाव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही जितने रुपए बटे जितनी वस्तु और इंटू करेंगे आप परसेंट मात्रा बटे 100 प्लस माइनस मात्रा प्रतिशत। तो इससे आपके या तो नया निकालना हो या पुराने भाव, तो इस दोनों से आ जाएंगे। देखो नया में आपको ये चीज़ याद रखनी कि 100% माना, यानी फ्रेश एकदम, नया मतलब 100%, और यदि पुराना पूछ रहा तो 100 प्लस माइनस मात्रा परसेंट करेंगे। देखो एक बार देखते हैं कैसे, चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए, यानी हमें ये वाला ज्ञात करना है। तो देखो जितने रुपए, कितने रुपए हैं, 400 रुपये, तो हमने यहाँ पे लिखी 400 रुपये बटे कितनी वस्तु है, 10 किलोग्राम, तो ये 10 किलोग्राम लग दिया, और गुणे लगा दिए, कितने परसेंट बढ़ा, 25%, तो 25% कर दिया, और बटे 100 कर देना है आपको, क्योंकि नया चाहिए आपको। अब नया चाहिए इससे ये कैंसिल कर दो, अब इसके क्या होगा, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 2 × 2 = 4, कितना आ गया आपका, 5 × 2 = 10 आंसर आ गया। यानी नया भाव क्या है, 10 रुपये प्रति किलोग्राम, चावल का नया भाव 10 रुपये आ गया है, ठीक है। इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को लगाना है। यदि पुराना पूछता तो हम क्या करें, बढ़ रहा है ना, तो 100 + 25 कर देंगे, यानी 125 हो जाता नीचे, और कुछ नहीं, पूरा का पूरा सेम रहता। तो कुछ क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें हमें ट्रिक यूज करनी ही पड़ती है, क्लियर। ऐसा नहीं है कि ये बेस से नहीं लगा सकते, बेस से भी हम लगा सकते हैं, लेकिन यदि बेस से लगाएंगे तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्लियर। तो इसमें इस वाले जो मैंने ब्रैकेट में बना दिया है, ये भी आप ब्रैकेट में बना लीजिए, ये दो कह लो ट्रिक कह लो या सूत्र कह लो, तो इनको आप लिख लीजिए। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, मैदा 10% महंगा हो गया, जिसे 440 रुपये में 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है। मैदा का पुराना एवं नया भाव ज्ञात करो, इसमें दोनों ज्ञात करने हैं। तो देखो जितने रुपए यानी 440 रुपये बटे जितनी वस्तु यानी 2 किलोग्राम गुणे कर देंगे, परसेंटेज यानी 10% महंगा है यानी बढ़ा है, बटे
अब नया निकालना है तो 100, इससे क्या निकलेगा आपका नया, तो नया पहले निकाल लें, तो नया निकालेंगे हम 0 से 0, 0 से 0, अब कितना आ गया नया भाव, यानी 22 रुपये प्रति किलोग्राम, यह आ गया नया भाव। यदि हमें पुराना निकालना है तो पुराना में वही करेंगे, 440/2 गुणे 10/10% महंगा, तो 110 कर दिए, क्लियर। तो इससे अब 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ आ गया 11 चौक 44, और ये 0 40 आ गया, यानी आ गया आपका 20, 20 रुपये प्रति किलोग्राम। ये क्या है पुराना भाव, और ये आ गया आपका नया भाव। देखो एक एक लाइन में आ गया, कुछ थोड़ी ना याद करना, जितने रुपए बटे जितनी वस्तु, परसेंटेज बटे 100, ये नया के लिए है, पुराने के लिए जितने रुपए बटे जितनी वस्तु इंटू मात्रा बटे 100 प्लस माइनस प्रतिशत मात्रा। प्लस माइनस मतलब यदि सस्ता होता तो माइनस कर देते, महंगा हुआ तो प्लस कर दिया, बढ़ रहा तो प्लस कर देंगे, घट रहा तो माइनस कर देंगे, क्लियर। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। अब देखो एक कोई दुकानदार है, वो अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यानी वो कितने रुपए में बेचता है, 120 पर, 120 रुपए में। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता है, यदि वह क्या करता है, किसी सामान को 10% अधिक पर खरीदता है, 100 का 110 रुपए में खरीदता है, और 25% लाभ पर बेच देता है, और 25% लाभ पर यानी 125/100 पर बेच देता है, तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 14 रुपये। कैसे पता, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, ये क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। 20% लाभ पर मतलब 120 रुपये पे, 120% पे बेचता है। यदि वह सामान 10% अधिक पर खरीदता है, इसका क्रय मूल्य है, और 25% लाभ पर बेचता है, तो ये इस पे बेचता है, और यदि इस पर बेचता है, तो इन दोनों में उसको कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 14 रुपये अधिक मिलते हैं। इन दोनों का अंतर कितना है, 14 रुपये, क्लियर। यदि इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 25 चौक 100, 25 पंचे 125, सॉरी 2 दूनी 4 कर दो, यहाँ पे आ गया 55, यहाँ क्या हो गया 55 का 5 में गुणा कर दो, तो यहाँ क्या हो गया देखो 125, ये पूरा परसेंटेज में है, ठीक है। तो 120% माइनस 25 की 5, हाँ सिलाई 2, 25 26 27, 275/2 % बराबर है 14 के। अब इसका एलसीएम ले लो आप, एलसीएम ले लेंगे आप, यहाँ एक मान लो एलसीएम लिया तो हमने नीचे 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो 1 का 2 में भाग, 2 बार 2 बार जाएगा, 2 का इसमें गुणा, 12 दूनी 24, 240% माइनस, और यहाँ पर 275, तो यहाँ आपको अंतर लिखना पड़ता है, या इसको इस साइड भी लिख सकते हैं, इसको इस साइड, क्योंकि हमें क्या चाहिए, दोनों का अंतर आया है 14 रुपये, ठीक है ना। तो अंतर का मतलब ये होता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, क्लियर। यहाँ पर 14 आ गया, अब 2 का इस साइड गुणा आ जाएगा, तो 275 में से 240 जाएंगी, तो कितना आएगा, 25 और 10 35, तो 35% बराबर 14 दूनी 28, तो 1% बराबर आएगा 28/35, क्लियर। अब यहाँ मेरे को क्या चाहिए, 100%, क्यों, क्योंकि मेरे को चाहिए क्रय मूल्य, तो गुणे 100 कर दिया। अब इसको आप काट दो, इसको आप काटेंगे तो 5 7 35, और इसको काटेंगे आप तो 5 2 10, यानी 20 आ गया, ठीक है। इसके बाद 7 को 7 चौक 28, ठीक है, और 4 2 8, यानी 80 रुपये क्या आ गया आपका क्रय मूल्य, क्लियर। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। ये क्वेश्चन है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने पर कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। तो इसमें क्या निकालना है आपको, देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया है 5, तो इसको जो अनुपात है इनको हम रुपये ही मान लेना, तो विक्रय मूल्य क्या है 5 रुपये मान के चलो, और क्रय मूल्य क्या है आपका, क्रय मूल्य कितना है 4 रुपये। तो मैं यदि कहूँ कि विक्रय मूल्य 5 है और क्रय मूल्य 4 है, तो लाभ कितना होगा 1 रुपये, तो लाभ कितना होगा आपका 1 रुपये। अब आपको यदि लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य, और गुणे क्या करते थे 100 करते थे, बस 4 का भाग दे दो, 25 चौको 100,
यानी 25% क्या हो गया, लाभ हो गया, बस आंसर आ गया, कुछ नहीं करना है आपको। ओके तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसके बाद में हम त्रिकोणमिति, ज्यामिति और बहुत सारे चैप्टर बचे हैं, उनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आगे की वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।